students and welcome to the class once again. So today in this video, I would like to start chapter number 2 of our textbook Flamingo, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood by Anis Chan. So before we go to the story, let us learn a brief account of our author, Anis Chan. Anis Chan is an Indian author, a journalist, an editor and a columnist who used to write for newspapers both in India and abroad. She was born in the year 1944 in Rourkela, Odisha. She received her education in Hyderabad and USA, and she is known for her work Unveiling India, which was published in the year 1987. This work of her, Unveiling India, is greatly known because it talks about the deprived life of Indian women, especially the life of a Muslim woman behind parda. In this story, we will come across these two themes. Theme one is grinding poverty. Grinding poverty means an extreme poverty. यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से एक्सट्रीम गरीबी में भी बच्चे सर्वाइव करते हैं, किस तरह से उन्हें फर्स्ट लेवल बनना पड़ता है, उन्हें स्कूलिंग का प्रोविजन नहीं मिलता है. So we will learn about this thing in the story. And the second theme talks about the deprivation and exploitation of poor in the society. Society में जो गरीब होते हैं उन्हें किस तरह से exploit किया जाता है, उन्हें किस तरह से deprive किया जाता है from the basic facilities, from the basic provisions which are meant for them. तो उन्हें किस तरह से उससे दूर किया जाता है, exploit किया जाता है, वो हम इस story के अंदर पढ़ेंगे. So overall, if we talk of the theme of the story, so ये story जो है Lost Spring, Stories of Stolen Childhood by Anis Chan, it focuses, okay, ये focus करता है उस children के ऊपर जो deprived background से है, जो गरीब खानदान से है, जो extreme गरीब grinding poverty के अंदर में है, उनका lifestyle कैसा है, किस तरह से उन्हें exploit किया जाता है, किस तरह से उन्हें forced labor बनने पर मजबूर किया जाता है. We will learn about these things in this story, Lost Spring. Now let us talk about the title of the story. The title of the story is Lost Spring. All of you are aware that what does spring mean? Spring kya hota hai? Aap sabhi ko malum hai. Spring is a season which comes after winter, and during this season, everything that exists on this earth, whether it is a human being, whether it is an animal, whether it is a bird, plants, trees, everything becomes lively and active. Okay? आपने नोटिस किया होगा कि जो माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज जो बैरन थे ड्यूरिंग द विंटर सीजन, दे स्टार्टेड टू क्लोथ देमसेल्व्स विद ग्रीनरी. और ट्रीज जिनके पत्ते सब झड़ जाते हैं विंटर सीजन में, वो भी अपने खुद को क्लोथ करना शुरू करते हैं विद द न्यू लीव्स. ओके, एंड द फ्लावर्स, जो फ्लावर्स है वो भी हर जगह ब्लूमिंग करना शुरू करते हैं. और जो स्ट्रीम्स, जो नाला होता है, वो जब सूख जाते हैं विंटर के समय में, वहाँ पे भी पानी निकलना शुरू हो जाता है. सो इन शॉर्ट, इफ वी टॉक अबाउट द स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग में क्या होता है, इट ब्रिंग्स ए स्माइल ऑन एवरीवन्स फेस. ओके, एंड इन शॉर्ट इफ वी से देन इट स्प्रेड्स हैप्पीनेस एवरीवेयर. हर जगह हरियाली होता है, इसीलिए हर जगह वो क्या करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं द स्प्रिंग सीजन. ओके, सो लाइकवाइज द पोएट सेज दैट चाइल्डहुड, चाइल्डहुड इज ए फेज इन ह्यूमन्स लाइफ, ओके, विच ब्रिंग्स ए स्माइल ऑन एवरी वन्स फेस. क्योंकि यही वो इंसान का लाइफ का एक फेस है, जहाँ पे आप हंसते हो, जहाँ पे आप खेलते हो, जहाँ पे आप स्कूल जाते हो, मौज मस्ती करते हो, आपको जो करना है आप वो करते हो, आप धूप में खेलो, आप मड में खेलो, आप बारिश में खेलो, देयर इज नो वन टू स्टॉप यू. आपको जो करने मन है आप वो करते हो, यू हैव द लिबर्टी टू डू दैट. ओके, सो ऑथर कहता है, बट द ऑथर सेज दैट लॉस्ट, दैट टाइटल ऑफ द स्टोरी इज लॉस्ट स्प्रिंग. स्प्रिंग जब खो जाएंगे, वही स्प्रिंग जो हैप्पीनेस लेके आते हैं, वही स्प्रिंग जो लाइवली लेके आते हैं, वही स्प्रिंग जो हर जगह स्माइल स्प्रेड करता है, वो जब खो जाएंगे तो क्या होगा. ओके, वो जब खो जाएंगे तो क्या होगा, फिर से लाइफ वही विंटर की जैसा बोरिंग हो जाएंगे, मोनोटोनस हो जाएंगे, अनप्लीजेंट हो जाएंगे. सो लाइकवाइज द ऑथर ट्राई टू मेक ए कंपेरिजन ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग टू दैट ऑफ ए लॉस्ट चाइल्डहुड.
शी सेज दैट स्प्रिंग का खो जाना चाइल्डहुड का खो जाने का बराबर है। जिस तरह स्प्रिंग जब खो जाएंगे तो हर जगह से अनहैप्पीनेस होगा, हर जगह पे अनप्लीजनेस होगा। एग्जैक्टली जब चाइल्डहुड खो जाता है तो हर जगह बोरिंग हो जाता है, आपका लाइफ एक बोर हो जाता है। ओके, सो हाउ डज वी लॉस अ चाइल्डहुड, हम अपना चाइल्डहुड कैसे खोते हैं, कब खोते हैं? जब हम कंपेयर, व्हेन वी आर कंपेयर टू सपोर्ट आवर फैमिली बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ आवर फैमिली। हमारा फैमिली का जो इकोनॉमिक स्टेटस है बहुत ही खराब है, आप बहुत एक्सट्रीमली पोअर हो, तो आपको क्या होता है, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आपको फोर्स लेबर बनना पड़ता है। खेलने कूदने की उम्र में ही आपको कमाना शुरू करना पड़ता है। सो इन दैट वे जिस समय आपको खिलना चाहिए था, स्प्रिंग सीजन में सब फ्लावर्स खिलते हैं, पेड़ पे पत्ते निकलते हैं, चाइल्डहुड का एज में, चाइल्डहुड का फेज में आपको खेलना चाहिए था, कूदना चाहिए था, आपको हंसना खेलना चाहिए था, उसी उम्र में क्या हो गया कि आपका बचपन आपसे छीन लिया गया। किसने छीना? पॉवर्टी ने, गरीबी ने छीना। ओके, सो उसी चीज़ को कंपेयर करके ऑथर ने यहाँ पर रिप्ले किया है, एंड हियर द पोएटिक डिवाइस मेटाफोर हैज बीन यूज्ड। ओके, और लिटरेरी डिवाइस यू कैन से लिटरेरी डिवाइस जो है वो यूज किया गया है मेटाफोर। सो मेटाफोर क्या है? इट इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच ए कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स आर डायरेक्टली मेड। जब हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं तो उस पर क्या होता है, मेटाफोर होता है। सो लाइकवाइज यहाँ पे लॉस चाइल्डहुड को स्प्रिंग का लॉस होने से कंपेयर किया गया। सो दिट इज अबाउट द टाइटल ऑफ द स्टोरी। आई थिंक द थिंग इज क्लियर टू यू नाउ। सो नाउ लेट अस सी अबाउट द चैप्टर स्केच ऑफ द स्टोरी। द स्टोरी लॉस स्प्रिंग इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। इन द फर्स्ट पार्ट वी विल रीड अबाउट द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी में जो रैग पिकर्स रहते हैं उनका लाइफ कैसा है, वो किस तरह से अब सर्वाइवल के लिए जीते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, वो हम देखेंगे। सो सीमापुरी कहाँ पे है? इट इज़ इन द पेरी पेरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली का जो आउटस्कर्ट है वहाँ पे सीमापुरी है, और सीमापुरी इज ए स्लम एरिया। ओके, वो एक स्लम एरिया है। सो फर्स्ट पार्ट में हम सीमापुरी के जो स्लम ड्वेलर्स है, जो रैग पिकर्स है, उनका ऑक्यूपेशन, हाउ डज दे लीव, और उनका सर्वाइवल का मेथड कैसा है, वो किस तरह से वहाँ सर्वाइव करते हैं, उनका पिक्चर कैसा है, वी विल सी अबाउट दैट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। क्लियर? इन द सेकेंड पार्ट वी विल लर्न अबाउट द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में जो बैंगल मेकर फैमिली रहते हैं उनका लाइफ कैसा है, किस तरह से वो लोग स्ट्रगलिंग करते हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, किस तरह से उन्हें डिप्राइव किया जाता है, किस तरह से उन्हें एक्सप्लोइट किया जाता है, वी विल सी अबाउट दिस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो लेट मी रिपीट, द स्टोरी इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। इन द फर्स्ट पार्ट वी विल रीड अबाउट द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी, एंड द सेकेंड पार्ट वी विल रीड अबाउट द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। Now let me introduce you to the characters of the story. The first character that we will come across is Saheb. Okay, Saheb is a rag picker boy from Simapuri. He is a gullible kind of boy. He is very innocent. Gullible kya hota hai? Who a person who is easily persuasive. जो इंसान किसी इंसान के बात में जल्दी आ जाते हैं उन्हें हम gullible कहते हैं. Okay, so in the story, what happens when the narrator said that if I build a school in your neighborhood, will you join? वो साहेब से जब पूछते हैं तो साहेब very innocently said yes. कहते कि yes, definitely I will join. Whereas the author has said jokingly, वो मजाक से कहते हैं yes, लेकिन नहीं कहता है, लेकिन the साहेब took it very seriously. It is why after 1 week वो फिर से narrator को जब मिलते हैं तो उनसे कहते हैं कि Is your school ready, miss? क्या आपका स्कूल तैयार है? So at that point we can see here that Saheb was innocent, Saheb was easily gullible, and he believes in the fake promises made to him. Clear? The next is he does not have dreams. उनके पास कोई सपना नहीं है,
उनका जो वर्ल्ड है वो पूरा का पूरा ब्लैंक है. देट इज वाई इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वेन द ऑथर आस्क हिम दैट वाई डू यू डू दिस, वाई डू यू डू रेक पिकिंग, ही रिप्लाई दैट ही डजेंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है. इट मीन्स ही इज ब्लैंक, ऑल ही वॉन्टेड टू डू इज पिक ए रेग ओनली. सिर्फ रेक पिकिंग ही उनको करना है, उनका दिमाग में सिर्फ वही सेट हो चुके हैं. Let us come to the next character in the story. It is Mukesh. Mukesh belonged to a bangle making family of Firozabad. Firozabad ka bangle making family se wo belong karta hai. Unlike Saheb, Saheb ka paas koi dream nahi hai, but Mukesh has a dream. Mukesh ke paas sapna hai. He wants to break the tradition. Wo jo tradition jo Firozabad mein set kiya gaya tha, us tradition ko wo break karna chahta hai. वो कहते हैं ना कि कोबलर का बेटा कोबलर ही बनेंगे और बारबर का बेटा बारबर ही बनेंगे. उसी तरह फिरोजाबाद में एक ट्रेडिशन है कि आप बैंगल मेकिंग फैमिली से हो तो यू कैन नॉट अडॉप्ट एनी अदर ऑक्यूपेशन. आपको सिर्फ क्या करना है, बड़े होकर सिर्फ बैंगल मेकिंग ही करना है. यही उस पर एक ट्रेडिशन था. लेकिन मुकेश जो है वो हिम्मत किया, ही डेयर्ड टू ड्रीम, सपना देखने का हिम्मत रखा और वो उस ट्रेडिशन को क्या करना चाहता है, ब्रेक करना चाहते हैं. ओके, सो ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद द नरेटर और नरेटर को कहीं ना कहीं लगता है कि जो वो सपना देख रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उनका जैसा जगह में जहाँ फिरोजाबाद जहाँ पे विशियस सर्कल ऑफ रिच पीपल आर देयर जो उनको कंट्रोल करते हैं, ऐसे जगह में उनका सपना जो सपना ही रह जाएगा और बहुत ही उनको अचीव करने के लिए उनके लिए एक इम्पॉसिबल हो सकता है. बट देन उसने कुछ नहीं कहा, ही जस्ट लिसन टू मुकेश. ओके, लेट हिम एंड लेट हिम स्पीक. सो लेट अस कम टू द थर्ड कैरेक्टर, दैट इज द नरेटर हरसेल्फ. एलिस जंग जो है वो भी हमारे स्टोरी के एक कैरेक्टर में है, बिकॉज थ्रू हर, उनके थ्रू से ही हम साहेब से मिलेंगे और हम मुकेश से मिलेंगे. एंड वी विल ऑल्सो सी द पिक्चर ऑफ सीमापुरी एंड फिरोजाबाद थ्रू आवर नरेटर. वो हमें लेके जाएंगे कि फिरोजाबाद कैसा है, उसका पिक्चर कैसा है, वहाँ के लोग सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ के जो चिल्ड्रन हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनका चाइल्डहुड कैसा है. लाइकवाइज सीमापुरी के जो रैक पिकर्स है, वहाँ के जो ड्वेलर्स है, स्लम ड्वेलर्स है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनके बच्चे किस तरह जीते, किस तरह से उन्हें वहाँ डेवलपमेंट से डिवोर्स किया जाता है. वी विल सी अबाउट ऑल दीज थिंग्स थ्रू अवर नरेटर एनिस चन. ओके, आई थिंक द थिंग इज क्लियर इन टू योर माइंड नाउ रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन टू द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग. बट देन इफ देन स्टिल देयर इज एनी थिंग दैट हिंडर्स यू एंड द पॉइंट वेर यू डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज लीव दैट इन द कॉमेंट सेक्शन. So in the next video, we will begin the story together. Till then, study well and please don't forget to read your textbook. Thank you very much.